नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर थ्री. एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड दी हुई है पी क्यू जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर. हमें टीपी की लेंथ निकालनी है जहाँ पर टीपी और टी क्यू, मैंने यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा बट टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स, ये हमें गिवन है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इस क्वेश्चन में. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन ओ टी एंड ओ पी. ठीक है, हम ओ टी और ओ पी को ज्वाइन करेंगे. ओके, सो हम ब्लू मार्कर से कर रहे हैं ज्वाइन. ओ पी को ज्वाइन किया और हमने ओ टी को ज्वाइन किया. ठीक है, सो ओपी जो है हमारा रेडियस है, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है हमारा वो है 8 सेंटीमीटर. पी क्यू है हमारा 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लेंथ टीपी की लेंथ निकालनी है. हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से हमारे 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं ताकि हम उन ट्राइंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा पाए. तो देखो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ओ पी जो है हमारा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू टी पी. रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, प्रॉपर्टी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टी पी. देयर फोर दिस विल बी 90 डिग्री एंगल. विच एंगल? एंगल ओ पी टी. एंगल ओ पी टी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, एक तो ये हो गया. अब मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम सेइंग कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा. इसको किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं, आपके एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली नहीं लिखवा रहा हूँ, इसको हम प्रूफ करेंगे. कैसे प्रूफ करेंगे देखो, मैं पहले कुछ एक एंगल्स मार्क कर रहा हूँ. दिस इज अवर एंगल नंबर वन, दिस इज टू, दिस इज अवर एंगल नंबर थ्री, दिस इज अवर एंगल नंबर फोर. नॉट द 90 डिग्री एंगल, दिस एंगल. मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ओ पी टी क्यू आर नाम दे रहा हूं इस पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज एंगल नंबर फाइव एंड दिस इज एंगल नंबर सिक्स. ठीक है, तो मैंने इन सबको एंगल नाम दे दिया. एंगल फोर कौन सा है, ये 90 डिग्री वाला एंगल नहीं है. फोर एंगल फोर इज योर दिस एंगल आर पी टी. ठीक है, आपको देख पा रहा होगा, मैं दोबारा से इसको ठीक कर देता हूँ. ये एक स्ट्रेट पी क्यू लाइन है, ये 8 सेंटीमीटर की मार्किंग हटा देते हैं एक बारी. ठीक है, तो ये वाला एंगल है एंगल फोर, ये है एंगल थ्री. ओके, अब देखो, अब मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूं इसे, मैं कह रहा हूं एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. रीजन बीइंग टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू. टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू है क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ठीक है, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू है तो एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर. क्यों? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा. और एंगल वन जो है वो होगा एंगल टू के इक्वल. ये हमने लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर वन करा था उसमें भी करा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू जो हमने करा था उसमें भी करा था,
कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं? जब हम ट्राइंगल ओपीटी और ट्राइंगल ओक्यूटी को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। सिंस ट्राइंगल ओपीटी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओक्यूटी बाय आरएचएस, ठीक है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ये एक साइड रेडियस है, ये कॉमन है और ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे ही OQT में होगा। तो इस तरह से एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल PTO और एंड ट्रायंगल PTR एंड ट्राइंगल QTR, ट्राइंगल PTR और QTR में मैं क्या लगा रहा हूं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो PTR में लगाऊंगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसमें लगाएंगे, ये PTR में मैंने लगाया, QTR में लगाएंगे तो क्या आएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, ठीक है। अब ये दोनों को यहाँ पे इक्वेट करोगे, एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है, तो 3 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। ऐसे ही 1 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आया? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। और एंगल 5 और 6 जो है वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे, ठीक है। तो देयर फोर ट्वाइस ऑफ एंगल 5, क्यों? क्योंकि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है 180 डिग्री, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये ट्वाइस नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये वाले एंगल्स हमारे 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने नाइन्थ में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। हमने ये लाइन पढ़ी थी नाइन्थ क्लास में दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ओ आर जो है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल 5 और एंगल 6 जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो जब हम ये कह सकते हैं कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ओ आर इज द लाइन फ्रॉम द सेंटर और पी क्यू जो है वो है कॉर्ड है, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट पी क्यू इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट आर, पी क्यू जो है वो पॉइंट आर पे बाइसेक्ट हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू, पी आर और आर क्यू इक्वल हो जाएंगे, पी क्यू की लेंथ क्या थी? 8 सेंटीमीटर, तो पी आर और आर क्यू की लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ दो लाइनों में लिख दिया है, दो लाइनों में ये लिख दिया है दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू देयरफॉर इट विल बाइसेक्ट पी क्यू, ये सारी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कि वो बाइसेक्ट क्यों करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, एग्जाम में जिस तरह से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है
आप भी उस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जिसमें एनसीईआरटी ने शॉर्टकट अपनाया है, बट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग से अपने आप में क्वेश्चन बन के आ जाता है। यही बन के आ सकता है कि प्रूव करो दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड इट बाइसेक्ट्स पी क्यू, ये प्रूफ करने को ही आ जाता है। तो उसके लिए आपको ये पूरा मेथड शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या जाता है। हमारे पास जाता ये है कि ओपी जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, और अब मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके है ये चीज, यहां तक समझ आ गया। अब जब हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, अब टीपी की लेंथ किस तरह से निकालनी है वो देखते हैं। पहले आप इतना समझ लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर आगे देखते हैं इसको, ठीक है। तो जो हमने अभी एक्सप्लेन करा था, सारा प्रूफ करा था, उसको मैंने बस एक लाइन में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख दिया है दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90, ठीक है, ये सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री। तो अब मैं आपको कह रहा हूं, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जितने राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं हमें सब में एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम लगा, जब हम सब में एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर हम देखेंगे कि आ जाएगा। देखो कैसे करना है, सबसे पहले जो ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल में हमें दो साइड्स की वैल्यू पता है हम उसमें लगाएंगे, कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे, इन ट्राइंगल ओ पी आर, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल जो है मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, ये 90 डिग्री ओ पी आर, ठीक है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, वो क्या कहेगी, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ठीक है। ओपी की वैल्यू क्या है हमारी, 5 सेंटीमीटर, ओपी इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस है जो, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी आर की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर हमने अभी निकाली है, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, ओ आर विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब हम सर्कल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो ओ आर है ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है जिसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, इस ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन इस ट्राइंगल में हमारे पास पी आर की वैल्यू है सिर्फ, टीपी की वैल्यू भी नहीं है और टी आर की वैल्यू भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेट टी पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, और क्या नहीं है हमारे पास, टी आर नहीं है, टी आर इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने एक्स ले लिया जो हमें फाइंड आउट करना है, और इसको हमने वाई ले लिया इतना, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी टी आर, पी टी आर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम, जितने ट्राइंगल्स हैं हमारे पास एक एरिया में, नीचे वाले को नहीं देख रहे क्योंकि हमें टीपी निकालना है, नीचे वाले को नहीं देख रहे, ऊपर वाले ट्राइंगल्स को देख रहे हैं सिर्फ, ऊपर वाले ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, अगेन में रखें। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, टीपी स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, इधर हाइपोटेन्यूज ये है,
ओके पीपी क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर मतलब 16 प्लस वाई स्क्वायर ये हमारी एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर ठीक है 16 कहां से आया पी आर का स्क्वायर और वाई है टी आर का ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं इसको और ज्यादा सॉल्व तो हम नहीं कर सकते तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब कौन सा ट्राइंगल है देखो हमने शुरू में लिया था एक ट्राइंगल इसको हमने अभी तक पाइथागोरस नहीं लगाया तो अब हम इसमें लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ पी टी जो मैंने फर्स्ट एंगल मार्क करा था 90 डिग्री का एंगल ओपीटी इज 90 डिग्री मतलब एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन अब इसमें क्या है देखो 90 डिग्री का एंगल ये है तो जो एंगल जैसे ये ट्राइंगल है जहां जिन दो लाइंस के बीच में एंगल बनता है वो दोनों होती है परपेंडिकुलर और बेस तीसरी साइड होती है हाइपोटेन्यूज तो इधर परपेंडिकुलर और बेस ये दो लाइंस है और ये हाइपोटेन्यूज है तो मतलब ओ टी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर ठीक है ये ओके है अब OT का स्क्वायर क्या है OT इज y प्लस 3 ठीक है y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP क्या है 5 का स्क्वायर और TP क्या है x का स्क्वायर ठीक है अब इसे सॉल्व करेंगे y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम इधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ठीक है एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट करा क्या आया वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 25 माइनस 9 प्लस 9 को उधर ले गए तो माइनस हो गया एक्स स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर ठीक है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया 25 माइनस 9 कितना आया 25 माइनस 9 है 16 और 16 प्लस 16 32 तो 6y इज इक्वल्स टू 32 तो y इज इक्वल टू 32 अपॉन 6 विच विल बी इक्वल टू योर 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर ठीक है तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू तो आ ही जाएगी इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारे को पता है दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 ठीक है यहां पुट करा आप इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास चलो ट्राई करते हैं 16 का स्क्वायर क्या होता है 16 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 16 36 256 ठीक है तो ये क्या होगा 256 upon 9 plus 16 ठीक है तो 16 upon 9 करेंगे कितना आएगा 144 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 144 अपॉन 9 256 प्लस 144 कितना आएगा 400 तो ये हो गया 400 अपॉन 9 ठीक है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 400 अपॉन 9 विच विल बी 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा
ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया हो। हमने पहले क्या करा, हमने सबसे पहले इसमें ये प्रूव करा है दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, जो कि मैंने पूरा बड़ा एक्सप्लेन किया कैसे वो परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमने इसको हाफ कर दिया कि ये बाइसेक्ट हो गया। हमें तीन राइट एंगल ट्राइंगल मिले, कौन कौन से मिले, पी टी आर, पी आर ओ एंड ओ पी टी, ये तीन ट्राइंगल्स मिले। यही तीन ट्राइंगल्स अगर आप ओ क्यू ज्वाइन करेंगे तो भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीन ट्राइंगल्स, हमेशा हमें तीन ट्राइंगल्स ही मिलते हैं एक साइड पर, अगर हम देखेंगे ऊपर की साइड पर या नीचे की साइड पर, तो हमेशा हमें तीन ट्राइंगल्स मिलते हैं और तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने तीनों ट्राइंगल्स में एक एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जो वैल्यूज हमें पता थी वो सब्स्टिट्यूट करी, जो नहीं पता थी उनको एक्स और वाई की टर्म्स में लिखा, एट द एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमारा टीपी क्या था, एक्स लिया था हमने, हमें क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड टीपी। अब अगर मैं बोलूं फाइंड टी क्यू, इसी क्वेश्चन में मैंने ऐड कर दिया ऑल्सो फाइंड टी क्यू, तो क्या करेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल्स में दोबारा से ये तीन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, नहीं जरूरत ही नहीं है, हमें पता है दैट TP इज इक्वल टू TQ, हमें ये चीज पता है TP इज इक्वल टू TQ, क्यों पता है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो हम सीधा बोलेंगे TP की वैल्यू है 20/3 सेंटीमीटर, TQ की वैल्यू भी है 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमने OR भी निकाल लिया, TR भी निकाल लिया, TR क्या था हमारा Y 16/3, TR भी निकाल लिया, TR हमें पता है, RQ हमें पता है, OP हमें पता है, OQ भी हमें पता है, TQ TP तो सारी लेंथ निकल गई। तो इस एक क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है हर बार ये दो चीजें दी हो सकता है ये दे दिया और तीसरी चीज कोई और पूछ ली, मेथड सेम है, हो सकता है आपको टेंजेंट की लेंथ दे दी और आपको कॉर्ड की लेंथ दे दी और आपसे रेडियस पूछ लिया, तो भी कोई बात नहीं, सेम मेथड यूज करेंगे। हो सकता है आपको रेडियस दे दिया और टेंजेंट दे दिया और कॉर्ड की लेंथ पूछ ली, तो भी वही बात करेंगे। कॉर्ड की लेंथ के लिए क्या करेंगे, पहले पी आर निकाल लेंगे और फिर उसको ट्वाइस कर देंगे, कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। तो कोई भी दो वैल्यूज दी हुई है तो तीसरी वैल्यू आप, बाकी सारी वैल्यूज आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ओके। तो एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन कवर हो जाए।